मिग सीरीज विमानों की दुर्घटनाओं के पीछे 5 कारण माने जाते हैं, और इन कारणों को जरा मैं और भी ज्यादा सफाई के साथ या फिर उसका पूरा विश्लेषण आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि इनके जो पहले कारण माने जाते हैं वो ये है कि मिग सीरीज के विमानों की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसा है इसकी स्पीड, आसमान में ये विमान 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जो इसे सबसे तेज फाइटर जेट्स की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। इसके अलावा लैंडिंग के समय भी मिग विमानों की स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो काफी अधिक है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी स्पीड की वजह से इस विमान को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरा कारण भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा कारण है इस सीरीज के विमानों का डिजाइन। दरअसल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस विमान की कैनोपी आकार में बहुत छोटी होती है, और कैनोपी असल में विमान के उस हिस्से को कहते हैं जहां बैठकर पायलट विमान को ऑपरेट करता है। कहा जाता है कि आकार इस हिस्से के छोटे होने की वजह से कई बार पायलट को रनवे नहीं दिखाई देता और विमान की स्पीड काफी ज्यादा होती है, और शायद इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं होती है। तीसरा कारण है इन विमानों की लंबी उम्र। भारत को वर्ष 1963 में मिग सीरीज का पहला विमान मिला था, लेकिन कई दशकों के बाद भी ये विमान भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि कई मिग विमान ऐसे भी हैं जो रिटायर हो गए हैं और आज म्यूजियम और ढाबों की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मिग 21 विमान हरियाणा के रोहतक में एक ढाबे के बाहर खड़ा है, इसकी तस्वीर भी आज हमारे पास है। ये वही तस्वीर है जो ढाबे के बाहर मिग 21 खड़ा है। अब चलिए चौथे कारण के ऊपर मैं विस्तार से और जानकारी साझा करूं, क्योंकि चौथा कारण है मिग विमानों को बनाने वाला रशिया भी वर्ष 1990 से इसका निर्माण नहीं कर रहा है, इसलिए इन विमानों को सेवा में बनाए रखने के लिए भारत को इजराइल और दूसरे देशों से इसके स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ते हैं, और दूसरी कंपनियों के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करने से भी दुर्घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और आखिर कारण है, आखिरी जो वजह है वो है मिग सीरीज के विमान सिंगल इंजन वाले होते हैं, यानी सिंगल इंजन के ये लड़ाकू विमान हैं, जिसकी वजह से जब उड़ान के दौरान इंजन में खराबी होती है तो इसे सपोर्ट करने के लिए दूसरा इंजन विमान में नहीं होता, और यही वजह है कि दुर्घटनाओं को रोकना मुश्किल होता है। हालांकि आज ये समझना भी बहुत जरूरी है कि 50-60 वर्ष पुराने मिग लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं आज भी क्यों दे रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लाल फीताशाही। असल में मिग विमानों के बेड़े को तेजस विमानों से रिप्लेस करना था, जो भारत में ही विकसित हो रहे हैं, लेकिन इस विमान को विकसित करने में वर्षों की नहीं बल्कि दशकों की देरी हुई। भारतीय वायुसेना को इस समय 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, और एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, और टू फ्रंट वॉर, यानी कि अगर भारत एक समय में पाकिस्तान और चीन दोनों से युद्ध करता है तो उसे 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी, यानी कम से कम 756 विमान चाहिए होंगे, लेकिन हम इस संख्या से अभी बहुत पीछे हैं। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ही भारत ने फ्रांस से राफेल की 2 स्क्वाड्रन फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदी है। फ्लाई अवे कंडीशन का मतलब है कि विमान पूरी तरह से तैयार है और उसका इस्तेमाल तत्काल शुरू हो सकता है। 36 राफेल विमानों के अलावा भारत को 40 तेजस विमान भी मिलने वाले हैं। हालांकि इसके बावजूद अनुमान है कि इस साल तक भारतीय सेना के पास 29 स्क्वाड्रन्स ही उपलब्ध हो पाएंगे, जबकि टू फ्रंट वॉर में 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए होंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास मिग 21 विमानों की 4 स्क्वाड्रन्स हैं, जो श्रीनगर, उत्तरलाई, सूरतगढ़ और नाल में तैनात हैं, और इन्हें अगले 3 वर्षों में रिटायर करने का लक्ष्य भी रखा गया है, यानी वर्ष 2025 तक वायुसेना से सभी मिग 21 विमान रिटायर हो जाएंगे, और इसकी शुरुआत सितंबर से होगी। इसी साल सितंबर महीने में श्रीनगर एयरबेस पर तैनात मिग 21 विमानों की स्क्वाड्रन रिटायर होने वाली है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि इन सभी स्क्वाड्रन में मिग 21 के अपग्रेडेड बायसन एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अब यहां से रिटायरमेंट की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि मौजूदा दुर्घटना में हमारे देश ने अपने 2 जाबाज वायु सैनिकों को खोया है।
इनमें विंग कमांडर मोहित राणा हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। वो दिसंबर 2005 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और अपने स्क्वाड्रन के फ्लाइट कमांडर भी थे। मोहित राणा को बेहद अनुभवी और कुशल पायलट माना जाता था और वो किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में विमानों को बेहद आसानी के साथ संभाल लेने में माहिर माने जाते थे। इसी तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल जम्मू के रहने वाले थे और उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी।